और कौन से चीजों को हम स्टेटमेंट में नहीं कंसिडर करते। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है या ट्रू है। तो ये सारी चीजें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कंप्लीट किया था। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो, एज द नेम सजेस्ट, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो और ज्यादा चीजें मिलती है तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स यूजिंग कनेक्टिव्स। देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टेटमेंट होना चाहिए। अ स्टेटमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग टू और मोर स्टेटमेंट्स यूजिंग कनेक्टिव्स इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हम दो और ज्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन करके जो एक नया स्टेटमेंट बनेगा उसे हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहां पे हमने देखा कि हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है कनेक्टिव्स। सो ये कनेक्टिव्स है क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द वर्ड कनेक्टिव्स। कनेक्टिव द वर्ड सच एज एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ नॉट, ये जो सारे वर्ड्स है इसे हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, दो और ज्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। और इसीलिए इन सारे वर्ड्स को एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ नॉट आर यूज्ड टू ज्वाइन और कनेक्ट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिव्स। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि हमारे पास ये चैप्टर में हम टोटल कितने कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, एंड और If then, if and only if and not, total 5 connectives के बारे में चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दो सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर किया, राहुल इज अ क्रिकेटर, ओके विशाल इज अ म्यूजिशियन, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, राइट। इनके ट्रूथ वैल्यू से हमें फिलहाल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राहुल इज अ क्रिकेटर एक स्टेटमेंट है, विशाल इज अ म्यूजिशियन ये सेकेंड स्टेटमेंट है। देखो, मैंने इसको ज्वाइन किया, राहुल इज अ क्रिकेटर एंड विशाल इज अ म्यूजिशियन। तो देखो, मैंने ये दो स्टेटमेंट को यूजिंग अ कनेक्टिव, ये कनेक्टिव कौन सा यूज किया मैंने, एंड वाला कनेक्टिव यूज किया। तो दो स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन किया, ज्वाइन किया, और इसीलिए इसे हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द वेरी फर्स्ट कनेक्टिव। हम पहले कनेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे, और वो पहला कनेक्टिव का नाम है एंड। एंड को हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो समझो पी और क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, और उसको ज्वाइन किया हमने कनेक्टिव से। कौन सा कनेक्टिव से ज्वाइन किया हमने, हमने यूज किया एंड वाला कनेक्टिव। ठीक है, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बनेगा ज्वाइन करने के बाद उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। अगर आपने एंड यूज किया तो उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। यहां पे पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट कंसीडर किया पी, टुडे इज अ हॉलीडे। एक स्टेटमेंट कंसीडर किया पी, टुडे इज अ हॉलीडे। तो क्यू एक स्टेटमेंट कंसीडर किया, आई वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक। ये दो स्टेटमेंट है, टुडे इज अ हॉलीडे, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक। तो मैंने ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज Today is a holiday and I want to go for picnic। देखो, दो स्टेटमेंट को मैंने ज्वाइन किया, कौन सा कनेक्टिव यूज किया मैंने, एंड वाला कनेक्टिव यूज किया। तो इसे बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज। इज दैट क्लियर? सो सपोज दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, उसे हमने ज्वाइन किया यूजिंग एंड, तो इसे हम बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। देखो, तो उसके बाद हमें क्या स्टडी करना है, उसके बाद हमें एक कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल है क्या, दिस ट्रूथ टेबल विल बी considering all the possibilities, सारा possibility को cover करेगा। देखो, हो सकता है P वाला statement true हो, Q वाला statement भी true हो, बराबर? P वाला statement true हो, Q वाला statement false हो। या तो हो सकता है P वाला statement false हो, Q वाला statement true हो, या तो हो सकता है कि दोनों भी statements false हो। So, देखो ये टेबल में क्या हुआ है, ये टेबल में पी और क्यू के सारे पॉसिबिलिटीज कवर किए हमने, तो इसीलिए इसे ट्रूथ टेबल बोलते हैं। देखो, P
पी ट्रू है, ये फर्स्ट वाला केस देखो दोनों भी ट्रू है, सेकेंड वाला केस पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, थर्ड वाला केस पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, फोर्थ वाला केस दोनों भी फॉल्स है। तो ये ट्रूथ टेबल में बेसिकली क्या होता है, सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करते हैं हम लोग। सो एंड का लॉजिक क्या है, क्या है देखो एंड में क्या होता है, जब दोनों भी ट्रू होगा तब जाके वो ट्रू होगा। पी एंड क्यू, एंड का सिंबल ये भी होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, ठीक है उल्टा भी, ठीक है। सो पी एंड क्यू ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज अगेन फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज अगेन फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू कब होगा, देखो ये ट्रू सिर्फ फर्स्ट केस में है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर एंड में पी एंड क्यू एंड में दोनों भी ट्रू होगा तब जाके ट्रू होगा, दोनों भी ट्रू होगा तब जाके ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर विल बी फॉल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो वंस अगेन वी विल रिवाइज, कौन सा कंजंक्शन है ये, एंड कंजंक्शन है। तो अगर दो स्टेटमेंट को आपने ज्वाइन किया तो उसे क्या बोलेंगे, कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। और उसके बाद सपोज दो स्टेटमेंट है, टुडे इज अ हॉलीडे एंड सेकंड स्टेटमेंट आई वांट टू गो फॉर अ पिकनिक, तो कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज टुडे इज अ हॉलीडे एंड आई वांट टू गो फॉर अ पिकनिक, एंड यूज किया मैंने। ट्रूथ टेबल में देखो, ट्रूथ टेबल में हमने सारे पॉसिबिलिटीज कवर की है, पी क्यू पी एंड क्यू, तो पी ट्रू क्यू ट्रू, पी ट्रू क्यू फॉल्स, पी फॉल्स क्यू ट्रू, दोनों भी फॉल्स। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज कवर किए, दोनों भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, एक भी फॉल्स हुआ देखो इधर एक ये फॉल्स हो गया इसलिए आंसर फॉल्स, ये अगर थर्ड वाला केस में ये वाला फॉल्स हो गया इसलिए आंसर फॉल्स, फोर्थ वाला केस में दोनों भी फॉल्स इसलिए आंसर फॉल्स। ओके सो अभी हम लोग एक सेकेंड कनेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है और का जो सिंबल है ये है बी है, और इसका दूसरा नाम है डिसजंक्शन। ओके सो सपोज पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, और उसको हमने कनेक्ट किया, पी और क्यू को हमने कनेक्ट किया, क्या लेके कनेक्ट किया हमने, और लेके कनेक्ट किया, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। सो मैंने क्या किया, पी और क्यू दो स्टेटमेंट है और उसे मैंने ज्वाइन किया, कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया मैंने, और से कनेक्ट किया। ओके सो यहां पे मैंने क्या यूज किया, मैंने और यूज किया, इसीलिए जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसे क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। फॉर एग्जांपल पी जो स्टेटमेंट है उसका क्या लिखा है, मिल्क इज व्हाइट, क्यू जो अनदर स्टेटमेंट है ग्रास इज ग्रीन, तो डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज, डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो मैंने देखो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया, ज्वाइन किया यूजिंग द वर्ड और, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। सो देखो इसका भी हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इसका जो ट्रूथ टेबल है इसमें भी अगेन पी क्यू और यहां पे क्या आएगा, पी एंड क्यू, पी और क्यू, ठीक है। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटीज हट जाएंगे, ओके सो यहां पे चेंज हो जाएगा अभी। सो ट्रूथ टेबल पी क्यू पी और क्यू, देखो ये सारे पॉसिबिलिटीज कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था एंड के टाइम पे दोनों भी ट्रू है, पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, पहला वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू, फर्स्ट वाला दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें ये याद रखना है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है डिसजंक्शन के टाइम पे और के टाइम पे, और के टाइम पे एक भी स्टेटमेंट ट्रू है जो ट्रू है तो क्या आएगा, इधर ट्रू, इधर क्या आएगा ट्रू, इधर क्या आएगा ट्रू, यहां पे देखो एक भी ट्रू नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, ये लास्ट वाला फॉल्स है। तो इसका लॉजिक कैसे याद रखेंगे आप, कि अगर एक भी ट्रू है और के टाइम पे, और के टाइम पे या डिसजंक्शन के टाइम पे एक भी ट्रू है तो आपका जो आंसर है वो ट्रू आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड के टाइम पे क्या था, एंड के टाइम पे की था कि एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, और के टाइम पे उल्टा एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। ओके ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट को हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखना है। ओके सो तो पहले क्या लिखेंगे, लेट पी, मैंने एक सिंबॉल सेलेक्ट किया पी, पी का मतलब क्या है, ई इज अ वॉवल, पी पी स्टेटमेंट क्या, ई इज अ वॉवल, बराबर। एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है क्यू, उसको मैंने क्यू लिया, क्यू क्या है, 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, बराबर। देयरफॉर
Therefore, the symbolic form is. Therefore, the symbolic form is. बराबर, इसे मैंने क्या लिया? इसे मैंने P कंसिडर किया. इसे मैंने क्या कंसिडर किया? Q. और ये कौन सा कनेक्टिव है? और का सिंबल कैसे होता है? सॉरी, और का सिंबल कैसे होता है? V. तो इसे मैं लिखूंगा कैसे? P और Q. इसे हमने P लिया, इसे हमने Q लिया, और का सिंबल क्या होता है? V होता है. तो इसे लिखेंगे कैसे? P और Q. Is that clear everyone? Okay. So now coming to question number 2. Mango is a fruit, but potato is a vegetable. Okay. ध्यान दो, ये जो है बट, ये बट को हम लोग एंड जैसा कंसिडर करते हैं. बट इज नथिंग बट एंड. तो इसे मैं लिखूंगा कैसे? लेट पी, जो स्टेटमेंट है उसे क्या लिखूंगा? मैंगो इज अ फ्रूट. मैंगो इज द फ्रूट. ओके, क्यू जो स्टेटमेंट है, क्यू क्या लिखेंगे? पोटैटो इज अ वेजिटेबल. ये क्यू स्टेटमेंट हो गया. ओके, तो इसे हमने क्या कंसीडर किया? पी. इसे हमने क्या कंसीडर किया? क्यू. सो क्या लिखे? देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी. ये कौन सा? पोटेटो इज वेजिटेबल हो गया क्यू. और एंड का सिंबल कैसा है? एंड का सिंबल एन जैसा है. तो इसको कैसे लिखे? उल्टा भी. सॉरी, सो पी एंड क्यू. सिंपल है, बहुत सिंपल है. पहले हमें लिखना पड़ता है पी क्या है, क्यू क्या है, और उसके जगह पे एंड के जगह पे एंड का सिंबल, और के जगह पे और का सिंबल. ठीक है, यहां पे भी देखो, लेट पी क्या लिखेंगे? मिल्क इज व्हाइट. मिल्क इज व्हाइट. क्यू क्या लिखेंगे? ग्रास इज ग्रीन. ग्रास इज ग्रीन. बराबर, तो ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, और ये और का सिंबल कैसे होता है? वी होता है. तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और क्यू. ओके एवरीवन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग. ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा? लेट पी, आई लाइक प्लेइंग. बराबर, क्यू. क्यू क्या लिया हमने? आई बराबर, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग. तो मैंने आई लाइक प्लेइंग पी लिया, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग मैंने क्यू लिया. मैंने बताया था ये बट का मतलब क्या होता है, एंड, एंड का सिंबल क्या है? ऐसा है. बराबर, सो ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? देयरफॉर, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, देयरफॉर द सिंबॉलिक form is P and Q. Okay, P, ये वाला statement P हुआ, ये वाला statement Q हुआ, और बीच में and, P and Q. Okay, question number 5. Even though it is cloudy, it is still raining. So, इसे मैं क्या लिखूंगा? Let P का मतलब it is cloudy. एंड क्यू का मतलब क्या लिया? इट इज स्टिल रेनिंग. बराबर, सो ये इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग का मतलब क्या है? कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली ऐसा है, इट इज क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग. इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, इवन दो को हटा दीजिए और स्टेटमेंट को देखो. इवन दो वाला मतलब एंड होता है, याद रखना. इवन दो, नाइदर नॉर, ये सारी चीजें एंड के लिए होता है. So even though it is cloudy, it is still raining. इसके जगह पे हम लोग कैसा देखेंगे इसको? It is cloudy and it is still raining. बराबर, तो इसका symbolic form क्या होगा? Therefore the symbolic form is, therefore the symbolic form is P and Q. ध्यान दो ये statement पे, important statement है. Even though it is cloudy, it is not. कहीं पे भी and, but वगैरह use नहीं किया है. यहाँ पे एक नया चीज़ use किया है. Even though भी किसमें consider करेंगे? And में consider करेंगे. तो ये statement को कैसे read करेंगे? It is cloudy and it is still raining. तो it is cloudy P हो गया, and के लिए हमने उल्टा B, and it is still raining के लिए Q हो गया. Is that clear everyone? Okay. Okay. So we'll come to question number 2.
एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, बराबर। यहां पे ये जो सारे स्टेटमेंट्स है ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो पहले तो हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा और फिर इसके हमें लॉजिक ट्रूथ टेबल, याद है ना जो हमने किया था, ट्रूथ टेबल के लॉजिक से इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो पहले तो हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सो पहले क्या लिखवा, लेट पी, जो हमने पहले किया था, लेट पी, पी का मतलब क्या होगा, पी इज अ स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है, पी इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज अर्थ इज अ प्लैनेट, ये मैंने लिखा अर्थ इज अ प्लैनेट। और क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मून इज अ स्टार, मून इज अ स्टार, पी क्या है अर्थ इज अ प्लैनेट, क्यू क्या है मून इज अ स्टार। सो इनके जो ट्रूथ वैल्यूज लिखे थे, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, पी क्या है अर्थ इज अ प्लैनेट, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड मून इज अ स्टार फॉल्स, ठीक है। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड फॉल्स respectively, ठीक है। Now, therefore इसका symbolic form लिखते हैं, the symbolic form is P, ये वाला statement क्या है, this is P, ये क्या है and, इसलिए ऐसे symbol इसको, और ये वाला statement का symbol क्या है Q, तो इसका symbolic form क्या होगा, P and Q, बराबर। So P and Q, so P statement क्या है, true है, बराबर। इसको मैं समझता हूं, पी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, एंड क्यू स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, एंड का लॉजिक मैंने बताया था, एंड का लॉजिक क्या है, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एंड में लॉजिक क्या है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। सो यहां पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, the truth value of this statement is false, ठीक है। So once again देखो मैंने कैसे लिखा, पहले तो उसको symbolic form में convert करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या लिखा, let P, P का मतलब क्या, Earth is a planet, Q, Q का मतलब क्या है, Moon is a star, therefore the truth tables of P and Q are true and false respectively, मतलब P जो है वो true है, Q जो है वो false है, therefore the symbolic form क्या है, P, इसका सिंबल क्या है, उल्टा पी, एंड इसका सिंबल क्या है, क्यू, तो पी एंड क्यू, पी जो है वो ट्रू है एंड क्यू जो है वो फॉल्स है, एंड का लॉजिक मैंने क्या बताया था, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, सो फॉल्स हो गया, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके एवरीवन, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो सेम चीज जैसे है, लेट पी का मतलब क्या है, 16 इज एन इवन नंबर, 16 इज एन इवन नंबर, क्यू का मतलब क्या है, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके ट्रूथ वैल्यूज लिखते हैं, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, 16 इज एन इवन नंबर, ट्रू है ना, 16 इवन नंबर है, सो ये जो है P जो है वो ट्रू है, एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन से होते, 1 का स्क्वायर 1 तो परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, आगे क्या लिखेंगे, respectively. So the truth values of P, P जो है वो true है, Q जो है वो false है. Therefore, इसके आगे क्या है? Therefore the symbolic form is ये क्या है? This is P. ये क्या है? And का symbol क्या है? उल्टा V. और ये क्या है? Q. तो इसे कैसे लिखेंगे? P and Q. P क्या है? P जो है वो true है. And Q जो है वो फॉल्स है, एंड का लॉजिक मैंने क्या बताया था, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, सो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज फॉल्स, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स,
Is that clear, everyone? Simple, both? Okay. So coming to question number 3. Can we have a quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors? Okay. So पहले मैं क्या लिखूंगा? Let. So first क्या लिखा? Let P. P क्या है? पहला statement, that is a quadratic equation has two distinct roots. ये हो गया statement P. Q क्या है? 6 has 3 prime factors. 6 has 3 prime factors. So let us understand. तो इसके truth values लिखने हैं मुझे. Okay? So truth values लिखने से पहले देख लेते हैं क्या है. A quadratic equation has two distinct roots. टू डिस्टिंक्ट रूट. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट्स, बराबर. सो अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बराबर. सो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0, बराबर. सो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. So x equals to minus 2 and x is equals to minus 1. तो ये क्या हो गया? अलग अलग रूट्स हो गए. ओके, बट अगर मैंने एक केस कंसिडर किया जिसमें क्या है x square minus 2x plus 1 equal to 0, बराबर. इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो minus 1x plus 1 equal to 0. तो अगर मैंने इसमें से x कॉमन लिया और इसमें से minus 1 कॉमन लिया तो ये ऐसे आएंगे. सो ये ऐसे मिल रहे, राइट. सो इन दैट केस दो वैल्यू मिल रहा है, वन और दूसरा वैल्यू भी एक्स का 1 मिल रहा है. तो ये तो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, बराबर. तो जरूरी है कि हमेशा डिस्टिंक्ट ही मिलेगा? नहीं. देयर आर केसेस जहां पे रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं. तो मतलब क्या हुआ? ये p वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? फॉल्स. ओके, सो p ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नाउ 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स. तो अगर मैंने 6 को फैक्टराइज किया, 6 को प्राइम नंबर से, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 में जाएगा, हां. सो ये 3 और यहां पे 1. सो कितने प्राइम फैक्टर्स इसको? इसको सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स है, पर दिया कितना प्राइम फैक्टर्स? 3 प्राइम फैक्टर्स दिया है. तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया. ओके, सो मैंने 6 को फैक्टराइज किया, सिर्फ कितने प्राइम फैक्टर्स मिले मुझे? इनको फैक्टर्स बोलते हैं. कितने प्राइम फैक्टर्स मिले? 2 प्राइम फैक्टर्स मिले. तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट of the statement P and Q are true and false. Sorry, true is going to be false, na? False and false respectively. Therefore, kya likhenge? The symbolic form is. Therefore, the symbolic form is kya hai? Ye wala statement kya hai? P. Ye wala statement kya hai? Q. और ये कनेक्टिव कौन सा यूज किया? और के लिए सिंबल क्या है? V. सो कैसे लिखेंगे? P और Q. सो P भी क्या है? फॉल्स है. Q भी क्या है? फॉल्स है. और का लॉजिक क्या है? और का लॉजिक ये है कि एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू. तो इसमें एक भी ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. ओके, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू of the statement is false. Okay, so we will revise it once again. क्या दिया question? A quadratic equation has two distinct root or 6 has three prime factors. So मैंने let P statement क्या लिया? Quadratic equation has two distinct roots. Q क्या लिया? 6 has three prime factors. So the truth value, quadratic equation को जरूरी कि हमेशा distinct root होगा, same root भी आ सकते, तो ये statement false हो गया. 6 has 3 prime factors, ये भी जरूरी नहीं है, सॉरी 6 में सिर्फ 2 prime factors है. कौन से 2 prime factors है? सिर्फ 2 और 3 से डिवाइड करता है. तो इट इज, दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? P और Q. तो फॉल्स और फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स. देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू, सॉरी द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या दिया है? द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट. सो मैंने बताया था ये बट को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं. बट इज नथिंग बट एंड. ओके, सो ये तो पार्ट क्लियर है. तो मतलब यहाँ पे एंड वाला कनेक्टिव यूज किया है. तो सेम थिंग जो हमने पहले किया है, पी का मतलब क्या है? वही स्टेटमेंट, द हिमालयास आर दी
highest mountain. The Himalayas are the highest mountain. और Q statement क्या लेंगे? They are part of India in North East. तो ये दो statement हुआ. P का मतलब क्या हुआ? The Himalayas are the highest mountain. Q का मतलब क्या हुआ? They are the part of India in North East. Therefore, the truth value of the statement P and Q are, P and Q का जो truth value है, वो क्या होगा? Himalayas are the highest mountain. Yes, it is true. Are true and they are the part of India in the North East. Yes, North East में वो part of India थी. ये भी statement क्या हो गया? True. Respectively. So, दोनों भी statement क्या है? True है. Therefore, the truth value of the statement P and Q are true and true respectively. Therefore, the symbolic form of the statement is, the symbolic form of the statement. तो symbolic form क्या है इसका? The symbolic form of the statement is, your statement क्या है? P है. Your statement क्या है? Q है. तो क्या आएगा? P and Q. तो ये क्या हो जाएगा? P जो है वो true statement है. Q भी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, राइट? सो एंड का लॉजिक क्या था? दोनों भी ट्रू होगा तो ट्रू. सो यहां पे आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. Therefore, the truth value of the statement is true. ओके एवरीवन, सो ये बहुत सिंपल सम था. तो यहां पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट किया है. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ the concept of 1.3 and we will be solving sums based on 1.3.